टाशी दिलेक, मोन्तोंग जिलेंस और ईस्ट स्टोरी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लुमला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीमान जम्बे टाशी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद लुमला विधानसभा सीट जो है वो रिक्त पड़ चुकी थी, जिसके चलते 6 महीने के अंदर एक और बाई इलेक्शन वहाँ पर होना था। उसके चलते लुमला विधायक जम्बे टाशी जी के अर्धांगिनी यानी कि उनकी बीवी सिंह लामू जी ने बीजेपी टिकट से लुमला के लिए अपना नामांकन भरा। ऐसे में पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के तरफ से उनके उम्मीदवार लेकिन नरबू जी ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन आज जो है लुमला की सियासत में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आया है, क्योंकि लेकिन नरबू जी उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने की जो है घोषणा की है। तो इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं लेकिन नरबू जी, जो कि पीपीए के पूर्व उम्मीदवार थे, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने अपने जो है नामांकन नहीं भरने का जो है फैसला लिया है। तो सबसे पहले लेकिन नरबू जी, आपका हमारे जो है चैनलों में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। लेकिन नरबू जी, हमें बताइए कि आपने जो पीपीए की तरफ से अपनी उम्मीदवारी जो जताई थी, उसे अचानक आपने कैसे विड्रॉ यानी कि वापस लेने का फैसला लिया? सर, इसमें ऐसे है कि जैसे अभी मैंने विड्रॉ बोल के भी ऐसे नहीं था, जैसे पार्टी का जो कोई सोच था हो तो वहाँ जो मैंने जो इटानगर में जो प्रेस ब्रीफिंग दिया था उसमें तो पूरा मेरा तरफ फुल सपोर्ट करके हमको दिया था। तो कुछ दिन के बाद में यहाँ आया तो पूरा उन लोगों माइंड ही चेंज हो गया, तो वो लोग ने दूसरा एक कैंडिडेट चुन लिया। तो मैं तो उसका प्रेसिडेंट साहब का वो भी बोला तो आप मुझे नहीं देना सिर्फ मैं कोई बात नहीं, हम इंडिपेंडेंस से मैं लड़ूँगा, वही बोला है। तो इस बीच में बाद में जो बात आया कि वो लोग नहीं करेगा तो हम कोई करो बोल के ऐसे फोर्स आया, लेकिन मैंने वो लोगों को बोल दिया कि अभी मैं नहीं कर सकता है, मेरा एक ही बात है जो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा मीन्स नहीं करेगा, बोल के हम इसको ऐसे बोल के इतना में रख दिया हमने। तो आज नामांकन का है जो आखिरी दिन है आज लुमला विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो आज आपने जो है नामांकन नहीं भरा है, तो आपने इंडिपेंडेंट से भी नहीं लड़ने के लिए जो निर्णय लिया है, उसके पीछे आपका क्या कारण है? ठीक है, अभी इसमें तो ऐसे है अभी सबका मतलब सहारा तो चाहिए होता है, तो इसमें इंडिपेंडेंस से हम करने से हमको तो कुछ सहारा मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं अपना भी सोच लिया, जितना भी पब्लिक लीडर्स है ऑफिसर्स है सब हम लोग हमको जो मना किया है, तो हम भी सोचा है अपना इलाका का है तो हम भी अपना मुंबा समाज का है, बल्कि हमने भी एक दिल में सोच कर मैंने भी इसका सिलेंडर कर लिया आज के दिन में। जी, लेकिन नरबू जी, आपने जो है अरुणाचल के राजधानी ईटानगर से जो है एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आपने काफ़ी गंभीर आरोप जो है लुमला के पूर्व विधायक जम्बे टाशी पर लगाया और यहाँ की सरकारी जो प्रणाली है उस पर लगाया, उस पर क्या आप अभी भी कायम है या उससे आप कुछ और कहना चाहेंगे अभी? नहीं, इसमें तो ऐसे है पॉलिटिकल ये है पॉलिटिकल मोटिव है, वो तो कोई भी बोलेगा, जो अपोजिशन है तो थोड़ा कुछ तो बोलना पड़ेगा इसमें ना, तो अगर अपोजिशन नहीं रूलिंग में होना तो हम लोग देख रहे हैं वहाँ में काम तो कैसे कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, लेकिन हम अपोजिशन था वो तो एक दो बात बोलना पड़ता है, इसलिए एक दो बात हम बोला भी होगा, फिर भी मेरा तरफ से सबका माफी मांगना चाहूँ। लेकिन मुझे हमें बताइए कि पीपीए जो आज नामांकन जो भरने जा रही है, अब नया कैंडिडेट जो है नया उम्मीदवार उन्होंने चुना है लोपसंग ग्यासो के तौर पर, तो उनको उन्होंने क्यों चुना और क्या वो आज नामांकन जो है दाखिल करने वाले हैं? नहीं, ये लोगों तो एक पॉलिटिक्स टाइप का था ऐसे, मतलब अगर हम वहाँ चला जाएगा तो हम कभी ब्रेक नहीं होगा, तो वो लोगों डालने से मतलब शायद हम नहीं करेगा, बल्कि वो लोग एक पॉलिटिक्स टाइप का था, वो पॉलिटिक्स आज वो लोगों पॉलिटिक्स जो ख़त्म हो गया है। जी जी, आपका कहने का मतलब है कि जो ये सब उम्मीदवारी जो दाखिल करने की थी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की, जो सारा जो है ये इलेक्शन का जो तैयारी थी और जो बड़े बड़े दावे वो कर रहे थे, ये वो सब पूरी पॉलिटिकल थी, सियासी ये उनकी चाल थी? वो तो अभी वो लोग अंदर का बात है, वो हमको बताया भी नहीं है, अगर हमको बताना है तो हमको मालूम चलना था कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं बल्कि ना, तो हमको कोई बताया भी नहीं, लेकिन अपना सोच में जितना लगा तो वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं बल्कि हम भी छोड़ना ऐसे टाइप का हम भी छोड़ दिया, हम लोग ऐसे नहीं लेगा बल्कि, तो सरकार उसमें कभी हम लोग बात हुआ दो दिन दो रात जैसे हम लोग कुछ आर्गूमेंट भी हुआ, तो अगर आप नहीं देते तो ठीक है, लामा अन्ना का आप बनाइए, लामा अन्ना का वहाँ का क्या रोल है वो भी तो आप लोग देखना चाहिए, आप
पहले उसको ये पूछो आप लामा अंदाज कहाँ का है वो भी आप पूछो, बोलिए इतना हम बोला है प्रेसिडेंट साहब को। तो ऐसा है कि जहाँ पर चुनाव होनी है, जहाँ पर चुनाव होती है उस जगह पर जो है आपकी जो उम्मीदवारी है वहाँ के आप जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल है उनको पहले आके ग्राउंड रिपोर्ट हो ऐसा कुछ होता है उनको जानकारी होनी चाहिए, यही आप कह रहे हैं। जी जी, इसमें ऐसे है जैसे कि अभी एक तो वहाँ से हम लोगों कैंपेनिंग जो चेयरमैन बना के भेजा है दर्जी खांडू बोल के एक है दिरांग, हम भी वो फर्स्ट टाइम देखा, तो उसने पूरा मतलब सर्वे किया हुआ हमें, तो लामांडा का तरफ किया हो, लामांडा तो वहाँ का है नहीं, तो मेरा तरफ तो पूरा उल्टा बोल के रख दिया था पार्टी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल ये यूथ प्रेसिडेंट ये लोग ऐसे उल्टा करके रख दिया, तो वो लोग तो उपाय नहीं, अभी जैसे अभी कैंपिंग चेयरमैन ने उसको बताया तो उसको ही चेंज करेगा, अभी वो लोग का कितना तक सच होगा कितना तक वो लोग आगे जाएगा वो हमको इतना मालूम नहीं है। तो आप आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने नामांकन नहीं भरेंगे? नहीं, अभी से तो अभी सबका सब बात हो के पूरा बात हो गया, अभी हम करके भी कुछ फायदा नहीं, करके भी कुछ होने वाला तो है ही नहीं, हम जितना तो है ही नहीं, अगर एक हमको पीपीएस से जब हमको कुछ टिकट मिलता है तो उसमें थोड़ा होप मिलता था करने के लिए, लेकिन ये इंडिपेंडेंट में तो हमको होप नहीं लगता कि हम इसलिए हम छोड़ दिया इसको नहीं करना चाहते हैं। तो लेकिन लोग जी हम यह जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम समय जो है अब बचा हुआ है, लगभग एक साल भी नहीं है, क्योंकि 2024 में है फिर से विधानसभा चुनाव जो होनी है पूरे राज्य में होनी है, तो ऐसे में यदि पीपीए के टिकट आपको मिल भी जाते तो और आप जीत भी जाते तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, मेरा तो एक ही है जी, मेरा दिल में एक ही है, जो रिजेक्ट कर दिया हम उसका दोबारा कभी नहीं घुसता है। जी जी, अभी वो लोग हमको फोर्स करके आपका पैसा इतना देगा आप करो बोनस पे, हम नहीं करेंगे इसमें। जी जी, हम एक ही बार में वो लोग से मतलब हटा दिया, पार्टी से भी हम उसका रजिस्ट्रेशन देना है वो भी हम कल परसों हम दे देंगे इसको। जी जी जी, तो दर्शकों अभी लेकिन रघु जी ने आपको बताया कि अभी वो है जो है उन्होंने पीपीए पार्टी छोड़ दी है और उन अपना त्याग पत्र जो है पीपीए पार्टी को वो जल्दी ही देने वाले हैं और वो है जो है आज अपना नामांकन नहीं भरेंगे और जो है पीपीए से उन्होंने सारी जो है संबंध उन्होंने तोड़ दिए हैं और पीपीए पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अंदर कुछ राजनीति खेल रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स उनके पार्टी के अंदर चल रही है। तो दर्शकों ये थी लेकिन रघु के साथ हमारी संक्षिप्त वार्ता, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए इस टुडे और तवंग मंदोंग जिले के साथ, धन्यवाद।